अगर हमारी सरकारें बेटा या हमारे संसद में बैठे लोग अच्छे गवर्नेंस को अवसर नहीं देते, उस स्टैंडर्ड पर अपने प्रैक्टिस को नहीं बनाए रखते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा और उन पर से भरोसा हटता है, उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी, उनसे भरोसा खत्म होगा। सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कैसे होगा? ये लाइन की पूरी जो जमीनी हकीकत है कैसे जमीन टूकरेगी? सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको दुकान, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको समावेशी विकास, सबको समावेशी ढांचे में बांधना, सबको सुरक्षा, सबको उत्थान विकास का अवसर और सभी के लिए सशक्त होने का रास्ता खोजने से सबका विश्वास मिलेगा। तो ये स्लोगन से स्लोगन ठीक है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो ये सब नहीं होगा तो हो सकता है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास विश्वास खतरे में हो। अगर पूंजीपति बढ़ते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे लोग, कम पैसे वालों का पैसा कम होता जाएगा, मटर पनीर खाने उनके लिए ऐसे लगेगा कि जैसे बैंक से लोन ले लेते हैं तो मटर पनीर मिलेगा, कार के लिए, बंगले के लिए, जमीन के लिए, बिजनेस के लिए लोन तो समझ में आता है, ऐसी स्थिति आ जाए कि मटर पनीर खाने के लिए आपको ईएमआई पे लोन लेना पड़ रहा है तो विश्वास नहीं मिलेगा। आप अपनी फीस दे पाए चिकित्सालय में, मैक्स हॉस्पिटल में, कोई रिश्तेदार नातेदार कोई ऐसी दुखड़ा आ जाए लाख दो लाख रुपया खर्च करके घर आ जाए इलाज करा के, सरकार की ओर से या तो ऐसी चिकित्सा की महत्वपूर्ण विशिष्टता विकसित हो जाए, यानी कि सब कुछ जो एक आसान जीवन के लिए जरूरी है जब तक जनता को नहीं मिलेगा, ये स्लोगन तो ठीक रहेगा बट विश्वास नहीं रहेगा। अब विश्वास नहीं होने की स्थिति में क्या होगा? भरोसा घटा है, भरोसा घटा ही इसीलिए क्योंकि खराब शासन है, तो खराब शासन की स्थिति में भरोसा भी घटता है और प्रतिष्ठा भी घटती है। हम लोग मैक्स वेबर ने बच्चा तीन प्रकार की सत्ता बताया है, एक बताया है जो वंशानुगत होती है, जैसे अकबर का बेटा शासक होगा अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, जहांगीर था ना, मतलब वो पैदा होते ही राजा था, बस उसका राज्याभिषेक कब होगा ये तय अकबर को करना, ठीक है। और दूसरा होता है करिश्मेटिक सत्ता। करिश्मेटिक सत्ता वो सत्ता होती है जिसमें पद नहीं होता बट प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल अगर सटीक दिए जाएं तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जब गांधी इरविन समझौता हुआ जिसको आप दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं ना, तो इरविन कौन था? वो तो लाट साहब था, वायसराय था ना। गांधी क्या थे? क्या थे गांधी? ना कोई वंशानुगत उनके पास सत्ता आई थी कि भारत के रियासत के राजा थे वो, ना कोई वैधानिक सत्ता थी उनके पास कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं औपनिवेशिक सत्ता के भारत के, ना ना ना, वो एक भारत के नागरिक थे, गुलाम भारत के थे, उसमें रहते थे, लेकिन उनका करिश्मा इतना बड़ा था कि उनके समझौते को देश मानता था। क्या समझे? इसको बोलते करिश्मेटिक सत्ता। एक फैसला, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा इस तरह की नहीं वैधानिक, ये करिश्मेटिक सत्ता, ठीक है। हमारे जितने मनीषी थे, संत थे, जो बड़े बड़े विचारक थे,
वो भी करिश्मा करते थे, ऐसा नहीं था। विवेकानंद भी करिश्मेटिक थे। विवेकानंद जहां जो बोले होंगे आज लोगों के वचन बन गए। और एक होती वैधानिक सत्ता, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ये बाकायदा लीगली संविधान में जैसी व्यवस्था दी है उसके अनुसार इस सत्ता को हासिल किए हैं। इसलिए जब इंग्लैंड में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हैं, तो हम भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे तो हम गांधी जी को किस रूप में देखते हैं? करिश्मेटिक व्यक्ति के तौर, और जहांगीर को वंशानुगत सत्ता के रूप में देखते, यानी जहांगीर में, यानी करिश्मेट वंशानुगत सत्ता में योग्यता की कोई जरूरत नहीं, बस आप राजा के बेटे हैं, आप भी राजा बनेंगे। लेकिन करिश्मेटिक में करिश्मा, जब तक लोगों पर आपका प्रभाव जमा रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा लोगों की नजर, इसको बोलते हैं सबका विश्वास। स्लोगन का सही अर्थ करिश्मेटिक सत्ता में है। और वैधानिक सत्ता, एक बार अब देखो, वैधानिक के साथ भी करिश्मेटिक हो जाता है। इंदिरा गांधी में वैधानिक सत्ता के साथ करिश्मेटिक सत्ता भी मानी जाती है, ऐसा हम लोग गाहे बगाहे लिख सकते हैं निबंध। बहुत सारे और प्रधानमंत्री आए जो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन करिश्मेटिक नहीं थे, जिसमें पब्लिक उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती, एक मतलब अत्यंत भरोसा करती। प्रधानमंत्री मोदी का भी कमोबेश यही स्थिति है कि वैधानिक सत्ता के साथ साथ वो करिश्मेटिक सत्ता के भी बन गई। इसीलिए एक भाषण में जाते हैं तो बोर्ड का पूरा रुख बदल देते हैं, एक भाषण कोर्ट का पूरा रुख बदल देता है। मनमोहन सिंह साहब भी 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, मंच से भाषण देते, कहिए उतना वोट ना मिले, क्योंकि वोट जो है, विश्वास जो है, भरोसा जो है, आपके करिश्मा पर भी है। जैसे बाबा रामदेव, ये करिश्मेटिक सत्ता के आदमी, इनके पास भारत का कोई वैधानिक पद नहीं है, लेकिन ये सड़क पे चले जाएं तो 5 लाख लोग इनके पीछे चल देंगे, ये है करिश्मेटिक सत्ता। गांधी जी डांडी मार्च के लिए चले साबरमती से, लाखों लोग पीछे होली। गोलमेज सम्मेलन के लिए भारत का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया, दूसरे वाले ने, जिन गांधीरविंद समझौता में भारत का रिप्रेजेंटेटिव भी तो थे, लेकिन ये ताकत कहां से इकट्ठी की? करिश्मा से, किसी लीगल या वंशानुगत से नहीं। आप जरा कल्पना करके देखिए, जो वंशानुगत सत्ता का व्यक्ति है वो उद्ध हो सकता है, गलतियां कर सकता है, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि उसको सत्ता मिलनी ही। इसीलिए अशोक की सत्ता में भी हम लोग देखो, अशोक भी उसी परंपरा से आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए बिंदुसार, फिर बिंदुसार से अशोक। लेकिन अशोक ने जो अपने कृत्यों से जनता के सुख में अपना सुख खोजता था, जनता के लिए, वो जनता उस पर बहुत भरोसा करती थी, वो जनता का विश्वास जीत लिया था, तो राजतंत्र की सत्ता में भी वो लोकतंत्र जैसा व्यवहार करता था, इसलिए वो महान शासक। और भी कारण थे, बट एक कारण महत्वपूर्ण ये हुआ, अकबर की जो नीति थी वह भी कहीं ना कहीं लोगों को लुभाती थी, वो भी महान अकबर, महान शासक बन। लेकिन यही औरंगजेब को देख लीजिए, इसके आगे पीछे के लोगों को देख लीजिए, तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। आप धर्मांतरण करेंगे, आप जबरदस्ती किसी को कैद करेंगे, लुटाही मचाएंगे, तो थोड़ी ना आपका करिश्मा कोई देखेगा, आपको तो चोर डकैत घोषित कर देगा, खराब शासन के लिए जाने जाएंगे आप।